आज मैं आपके साथ आंवले की मुरब्बे की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो नानी दादी बनाती थी, जो हम लोग सोचते थे कि हम लोग से बिल्कुल नहीं बन सकता है, ये नानी और दादी ही बना सकती हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में, कम टाइम में, इन्हें बिना झंझट के, बगैर ताम झाम के इसको बनाना बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये मुरब्बा हेल्दी तो रहता ही है और खाने में बिल्कुल लगेगा एकदम रसगुल्ला के तरह बन के तैयार होता है, जैसे गुलाब जामुन रहता है ना, एकदम सॉफ्ट, अंदर से जूसी। देखिए कितना इसका निकल रहा है, पूरा अंदर तक इसका रस पी चुका है, एकदम गुलाब जामुन की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाना बताऊँगी, तो चलें देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आंवला ले लिया है दोस्तों। आप इस तरह का टाइट और एकदम ताज़ा आंवला लें और बड़े साइज़ का लें। बड़े साइज़ का लेंगे, इस तरह का टाइट रहेगा तो वो कड़वा कम रहता है, वो ट्रेडिशनल तरीके से फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि घंटों, 5 से 8 घंटा इस फिटकरी या चूने के पानी में डाल के छोड़ दिया जाता था कि इसका कड़वाहट निकल जाए, उसके बाद बनाया जाता था अच्छे से वाश करके। तो दोस्तों दिसंबर के बाद जो आंवला मिलता है थोड़ा पक्का रहता है, पीला वाला रहता है, तो उसमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है, और चाहे आप यहाँ पर स्टैंड रख दें या एक कटोरा, मैंने यहाँ पर कटोरा रख दिया, उसमें भी पानी डाल दिया, इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा। तो आज मैं जुगाड़ू टाइप से स्टीम करूंगी, अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, स्टीमर में आप 10 मिनट के लिए करना, या जाली वाला प्लेट हो तो उस पर भी आप रख सकते हो। देखिए इस प्लेट को इस पर डाल देना है, और यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर से बता दूँ, इस तरह का पीला रहना चाहिए, अफ्रेश दाग धब्बों वाला आप आंवला मत लेना, तो हमारा आंवला का मुरब्बा बिना करवाहट के अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद कवर हटाएंगे। तो देखिए 15 मिनट मैं कवर हटा रही हूँ, ये इसको फोक डाल के देखूंगी, हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। देखिए फोक डालने आराम से चला जा रहा है, यानी कि स्टीम हो गया है। यहाँ पे करेंगे गैस बंद और इसको ले जाएंगे और इसको ठंडा करना है। एक स्टीम करके आप सॉफ्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका बॉयल पानी में डाल के 10 मिनट इसको उसमें डाल देना, और 10 मिनट में वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको पानी से छान लेना। एक बात का ध्यान रखना, आंवला को हल्का सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि चाशनी में इसको मुरब्बा तैयार करना रहता है। इसको मैंने आधा घंटा के लिए किचन टॉवल पर रख दिया था फैन के नीचे कि इसका पानी पूरा ड्राई हो जाए। देखिए पूरा ड्राई हो चुका है, अगर ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर है तो आप यहाँ पर किचन टॉवल ले लेना और इसको अच्छे से पहले ड्राई कर लेना, तब इसमें प्रिक करेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो हमारा मुरब्बा लॉन्ग टाइम के लिए जो हम लोग रखते हैं ना, वो नहीं रहेगा। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे तो उसमें फुफुंदी लग जाएगा, यानी भोपड़ी जो होता है। अब इसको क्या करना, अब इसको प्रिक करेंगे। देख इसी तरह प्रिक कर लेना एकदम, यानी कि छेद इसमें करेंगे और सटा सटा के देना, आप पूरा सीट तक करना। जितने अच्छे से इसको छेद करोगे उतने अच्छे से इसमें जूस पिएगा हमारा मुरब्बा, एकदम जूसी और सॉफ्ट, एकदम रसगुल्ला की तरह बन के तैयार होगा। इसलिए आप ध्यान से पूरे में अच्छे से छेद कर लेना, यानी प्रिक अच्छे से कर लेना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रिक अच्छे से हो जा रहा है, इसलिए मैंने स्टीम करके प्रिक किया। आप चाहो तो पहले भी प्रिक कर सकते हो, लेकिन इसका जो फायदे का चीज़ रहेगा वो निकल जाएगा, इसलिए, और प्रिक करने में भी मेहनत लगता है, इसलिए आप स्टीम करके करना। तो देखिए सारे में अच्छे से प्रिक कर लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ मुरब्बे बनाने की प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है और आंच मीडियम रखा है, मीडियम टू लो, और यहाँ पे मैंने 1/2 kg यानी 500 ग्राम चीनी ले लिया है, इस कढ़ाई में डालेंगे। और यहाँ पे आप चाहो तो चीनी के जगह गुड़ भी ले सकते हो, लेकिन आज मैं चीनी से बना रही हूँ। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जितना आंवला लेंगे उतना ही चीनी लेना या गुड़। सारे चीनी को डाल के इसको फैला दिया है और मीडियम टू लो आंच पे इस चीनी को करेमलाइज करेंगे दोस्तों। और इसको हिलाना नहीं, देखिए थोड़ा सा ये पिघलने लगा है तो हल्का सा हिला देना है यहाँ पे, और हिला के करमेलाइज हो जाएगा चीनी। उसके बाद जो आप मुरब्बा बनाओगे इसकी शेल्फ लाइफ एकदम सालों साल तक रहेगी, एकदम नहीं ख़राब होगी। और दूसरा कलर बहुत अच्छा आता है, देखिए इतना सा करमेलाइज हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना, जो प्रिक करके यहाँ पे आंवला रखा था सारे आंवले को इसके अंदर डाल देना है दोस्तों। और सारे आंवले को डाल के कवर कर देंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा देर के बाद, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, अब यहाँ पे इसको चलाएंगे। इसी तरह एक दो दफ़ा चला देना है, अब आँच मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से बनाने से इसका टेस्ट तो एकदम ऑसम वाला आता है, और कलर लगेगा कि आपने गुड़ से बनाया है, और इसमें सोंधा पनी भी रहता है। अब यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करेंगे और आंच मीडियम टू लो रखना, इस बात का आप ध्यान रखना। देखिए इसको चला देंगे और इस चलाने के बाद फिर इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब आप मुरब्बा बना रहे हैं तो आप यहाँ पर से हटना नहीं कि गैस में मुरब्बा चढ़ा दें और फिर हट जाएँ,
जब तक मुरब्बा तैयार नहीं रहे तो आप वहीं पर रहें। देखिए इसी तरह चला के मैंने कवर कर दिया था एक मिनट के लिए, फिर एक मिनट बाद मैंने कवर हटा दिया, फिर चला देना। इसी तरह चलाते रहना, कवर करना। देखिए चीनी पूरा अच्छे से पिघल गया है। अगर आपका चीनी ना पिघले तो आधा कप और पानी डाल देना। तो देखिए इसी तरह मैंने चीनी के चाशनी में 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है। 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब इसमें 2 छोटी इलायची को यहाँ पे कूट के डाल देना। अगर आपको पसंद हो इलायची का फ्लेवर तो डालना, वरना स्किप भी कर लेना, उसकी जगह गुलाब जल भी डाल सकते हो। और इसको कवर कर देना। देखिए कवर किया, फिर मैंने हटाया। तो इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे इसको पकाना है। देखिए अभी चाशनी अभी पतला है, गाढ़ा नहीं हुआ है, अभी और होगा। एक पीस मैं दिखा रही हूँ, देखिए अच्छे से अंदर अभी चाशनी नहीं पिया है, कलर पूरा नहीं आया। इसी तरह आप पकाते जाना है, यानी कि 15 मिनट पहले और 25 मिनट बाद, यानी टोटल 40 मिनट में ये बन के तैयार हो गया था। देखिए मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर तक अब पक चुका है। और देखिए ये फूल की तरह खुल गया अपने आप, यानी कि इसकी पहचान है कि ये मुरब्बा एकदम परफेक्ट बना। इसका चाशनी देखिए इस तरह का रहना चाहिए, ठंडा होके और गाढ़ा होगा। इसको 2 घंटा के लिए रख देंगे ठंडा करने के लिए। देखिए 2 घंटा हो गया, ये ठंडा हो गया। इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए 2 चुटकी यहाँ पे ब्लैक पेपर मैंने डाला, 2 चुटकी काला नमक डालेंगे और 1 इंच मैंने यहाँ पे दालचीनी लिया। पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घस के 1 चुटकी डालेंगे। देखिए इतना दालचीनी बच गया, इसको रख देंगे। और यहाँ पे ड्राई सौंठ डाल का घस के डालेंगे, यानी अदरक का पाउडर आपके पास भी रहे ड्राई अदरक का तो वो डाल देना। और ज़रा सा डालना, एक चुटकी, उससे ज़्यादा नहीं डालना। ये सब डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना अच्छा चटपटा टेस्ट होता है कि मत पूछिए। सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए देखने में कितना दम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। अब पूरा अंदर तक पी गया इसका चाशनी, देखिए बिल्कुल शहद की तरह लग रहा है ना, एकदम हनी है, एकदम हनी की तरह हुआ, ठंडा होकर गाढ़ा हो गया है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। देखिए एकदम रसगुल्ला की तरह हुआ है, पूरा जूसी हुआ है। इसको अब हम सर्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी सा आंवला का मुरब्बा नानी और दादी के स्टाइल वाला बनके रेडी हो चुका है। आप भी इसे बना सकते हैं और इसे लॉन्ग टाइम के लिए कांच की बोतल में रख के स्टोर करके इंजॉय कर सकते हैं। आप डेली 1 मुरब्बा खाओगे तो बहुत सारी बीमारी से दूर रहोगे। ये मुरब्बा देखने में कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रसगुल्ला की तरह फूला फूला हुआ है दोस्तों, और सॉफ्ट भी है, एकदम अच्छे से पक गया। देखिए ये एकदम फूल की तरह पूरा कली की तरह खुल गया है, यानी कि एकदम परफेक्ट बना है और जूसी भी बना है। देखिए कितना जूस इसका निकल रहा है, इतना सॉफ्ट हुआ है। और इसको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है, देखिए आराम से टूट जा रहा है, एकदम परफेक्ट बना है। कलर तो मत पूछिए प्यारा है, जो चीनी को करेमलाइज करके जो मैंने बनाया ना दोस्तों, उस वजह से इस तरह आता है। आई होप आपको मुरब्बे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में सभी को पसंद आएगा। ओके।